जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू परफॉर्म एक्टिविटी दैट इज गिवन इन एक्टिविटी नंबर फोर ऑफ योर चैप्टर फोर, दैट इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। इन दिस एक्टिविटी वी आर चेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट वेदर दे आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके वाटर में डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, घुल जाते हैं, बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। आपको पानी में डालने के बाद वो दिखेंगे नहीं, ओके। और इनसॉल्युबल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में डालने के बाद वो सब्सटेंस आपको दिखेंगे। सो हेयर सब्सटेंस ऑल्सो कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हो सकता है लाइक सॉल्ट, सुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट। तो मैं अभी घर में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, अवेलेबल है, उसको आपको पानी में डालकर दिखाऊंगी कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। उसी तरह आपको लिक्विड में पढ़ना है लाइक हेयर इन द नेक्स्ट पेज विनेगर, जो मम्मी किचन में यूज करती है। विनेगर चाउमिंग वगैरह में डाला जाता है, मैगी चाउमिंग विनेगर यूज होता है। लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, किरोसिन, ये तीनों ऑयल है। तो आप कोई एक ऑयल भी ले सकते हैं जो आपके घर में है और पानी में डालकर आप चेक करिए कि वो पानी में घुल रहा है या नहीं घुल रहा है, डिजॉल्व हो रहा है या नहीं डिजॉल्व हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट डिजॉल्व हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट सॉल्युबल कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट डिसअपीयर नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट आपको इनसॉल्युबल कहलाएगा, ओके। सो वी आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। और इन सभी सब्सटेंस को हम लोग किस में घुला रहे हैं? वाटर में, ओके। वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। वाटर को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, SOLVENT। दिस वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। और इसमें ही हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स को घुलाकर देखेंगे, ओके। एंड दी सॉलिड पार्टिकल्स लाइक सैंड, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, विनेगर, लेमन जूस आर कॉल्ड एज सॉरी सॉल्ट, सुगर, सैंड, चॉक पाउडर, दीज ऑल आर कॉल्ड एज सॉल्यूट। इनको कहते हैं सॉल्यूट। तो ये सभी आपके सॉल्यूट हैं और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, ओके। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिल जाते हैं तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है? आप इस टेबल में नहीं लिखेंगे, आप किसी कॉपी में अपने लिखेंगे, व्हेन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो वो बनेगा आपका सॉल्यूशन, ओके। तो हम यहाँ पे आकर चेक करते हैं कि इन सभी चीज़ों को पानी में जब हम डाल रहे हैं तो कैसा सॉल्यूशन बन रहा है। वो बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो जा रहे हैं, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। सो लेट्स चेक इट बाय द एक्टिविटी। वी आर डूइंग एक्टिविटी नंबर फोर एंड दिस एक्टिविटी नंबर फाइव ऑल्सो, ओके। सो लेट्स सी द एक्टिविटी हेयर। व्हाट वी हैव टेकन इज दिस इज वाटर। ये मैंने वाटर लिया है, फुल ग्लास वाटर, इट इज सॉल्वेंट। इसी में हम लोग सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे, मिलाएंगे और चेक करेंगे। नाउ दिस इज योर वॉच ग्लास और आप इसमें चीटी दिख रही होगी, चीटी देखकर आप गेस कर सकते हैं ये क्या है। दिस इज सुगर, इसको डिजॉल्व करेंगे। दिस इज सैंड, डस्ट पार्टिकल्स, सैंड, मडी सैंड पार्टिकल्स। दिस इज योर सॉल्ट, सॉल्ट, नमक जो घर में यूज करते हैं। दिस इज योर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आई हैव टेकन इट इन अ बीकर। दिस इज कॉल्ड एज बीकर। सो आई हैव टेकन दिस ऑयल। आप इसको घर में करके और मे बी आप वीडियो बनाकर आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। विनेगर और दिस इज लेमन जूस, ओके। नाउ वन बाय वन वी आर डिजॉल्विंग दीज मटेरियल्स इन वाटर। सो मैंने छोटे छोटे बीकर लिया है ताकि इसमें मैं आपको डिजॉल्व करके दिखा सकूं। आप सबको सब में पानी डालते हैं, डैट इज़ योर सॉल्वेंट। इसी में हम आपको ऑब्जेक्ट्स को घुला कर डिजॉल्व कर दिखाएंगे कि ये डिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सुगर। सुगर को हम
स्पैचुला तो घर में नहीं है अभी, सो बाय स्पून पुट इट इन वाटर एंड चेक इट आफ्टर सम टाइम. ओके, इन द सेम मैनर पुट शुगर इन बीकर एंड चेक इट. एक चीटी भी चली गई तो वो तो डिजॉल्व नहीं होगी, इसलिए चीटी को निकाल देते हैं. ओके, नाउ पुट दिस सैंड इन वन बीकर. ओके, एंड देन पुट दिस ऑयल, ये जो ऑयल है इसको एक बीकर में मैं डाल दे रही हूँ. ये ऑयल को मैं डाल दे रही हूँ. ओके, नाउ हमारे पास ये लेमन जूस है, चेक करना है इसकी भी सॉल्युबिलिटी. लेमन जूस की भी सॉल्युबिलिटी आपको चेक करनी है. सो आप मेरे पास अभी बीकर नहीं है तो मैं इसी में लेमन जूस में ही के वॉच ग्लास में ही वाटर डालकर चेक करती हूँ. ये सीड्स हैं लेमन के, तो ये तो आपके डिसॉल्व होंगे नहीं, तो हम सीड्स को निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि फिर ये आप लगेगा कि ये डिसॉल्व नहीं हुआ है. सीड्स को आप निकाल दीजिएगा क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होते, ये तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं. सीड्स को निकालते हैं एंड देन स्टायर इट, इसको चलाते हैं. ओके, नाउ इसको हम चला रहे हैं और आफ्टर सम टाइम अब्सॉर्ब इट. क्या आपको इस ग्लास में सॉल्ट दिखेगा, शुगर दिखेगा, सैंड दिखेगा? सैंड को भी हमने स्टायर किया, घुला दिया सैंड को भी, ऑयल को भी ऐसे स्टायर कर देते हैं, मिलाते हैं, ये मिलता है या नहीं. ओके, नाउ वी विल चेक पुट दीज सब्सटेंस फॉर सम टाइम सो दैट वी कैन चेक दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिजॉल्व इन वाटर और नॉट. सो आप यहाँ पे देखो, ये शुगर है. अब देखिए, सॉल्ट को मैंने डाला था, ये धीरे धीरे पानी में डिजॉल्व हो रहा है. सॉल्ट जो है वो धीरे धीरे पानी में डिजॉल्व हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम. अच्छा, ये पता है अगर आप इसको गर्म कर देंगे तो ये तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा. जब किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं और उसको वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो तुरंत फास्टली डिजॉल्व हो जाता है. तो मैंने यहाँ, आप देखिए इसमें क्या नमक दिख रहा है, नमक थोड़ी देर बाद और पूरी तरह इसमें पानी में डिजॉल्व हो गया, नहीं दिख रहा है. सी, इट हैज़ नो सॉल्ट, सॉल्ट इज डिसअपीयर्ड इन दिस वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट, सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड व्हेन द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इट बिकम्स सॉल्यूशन. ये क्या हो गया, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया. आप अपने घर में सॉल्यूशन बनाइए, आपके यहाँ मेहमान आते हैं और आप शरबत जो पिलाते हैं वो क्या आप पिलाते हैं, सॉल्यूशन पिलाते हैं. किसका किसका, शुगर, वाटर एंड लेमन जूस. सी हेयर, लेमन जूस ऑल्सो गेटिंग डिजॉल्व इन वाटर. लेमन जूस भी है वो आपको वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और ये आपका शरबत हो गया. इसमें आपको शुगर दिख रहा है क्या, शुगर पार्टिकल्स इस पानी में नहीं दिख रहे हैं. अब यहाँ देखिए, इसमें सॉल्ट दिख रहा है क्या, खोज पाएंगे आप इसमें सॉल्ट, घुल गया, डिसअपीयर हो गया. इसमें आप लेमन जूस एंड वाटर को अलग कर पाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल पानी में घुल गया. लेकिन सी हाउ डिफरेंट लेयर इज फॉर्म्ड, डिफरेंट लेयर इज फॉर्म्ड इन दिस ऑयल एंड वाटर. दिस डिफरेंट लेयर, ऑब्जॉर्व दिस डिफरेंट लेयर. पूरा तेल जो है, ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया. सी वी कैन डिफ्रेंशिएट द ऑयल, पानी में घुला, ये आपका पूरा ऑयल है और आपका वाटर कहाँ है, बिल्कुल डिफरेंट लेयर पे है. आपको अगर लेयर देखना है सो सी दिस डिफरेंट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर.
आपका ऑयल एंड वाटर का बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे लेयर है, ये ऑयल हो गया और ये वाटर हो गया. सो ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में तेल जो है, कोई भी किसी भी प्रकार का तेल हो, मस्टर्ड हो, कोकोनट हो, किरोसिन हो, वो आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा और वो एक सेपरेट लेयर बना देगा लाइक दिस. सो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट एंड सेन देन ऑब्जर्व दिस सॉ डस्ट ऑल्सो. ये भी एक सेपरेट आप ऐसे करेंगे तो इसमें मिट्टी आप अलग से ढूंढ पाएंगे. देखिए निकल गया, पानी अलग है और ये सॉ, ये जो सैंड है वो बिल्कुल अलग है. तो ये पानी में आपका घुला नहीं है, सेपरेट है. लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये नमक वाली पानी, बिल्कुल नमक नहीं ढूंढ पाएंगे. इसमें बिल्कुल चीनी नहीं ढूंढ पाएंगे. लेमन जूस में आप लेमन नहीं ढूंढ पाएंगे. और आपको मैं एक पाउडर वाला भी दिखा देती हूँ. मैंने घर में, मेरे घर में चौक नहीं है, सो वी विल डू इट बाई टेकिंग पाउडर. आप घर में पाउडर लीजिए और उसमें वाटर डालिए. पाउडर लेकर वाटर डालिए. चींटियाँ बहुत आ गई हैं एक्सपेरिमेंट में क्योंकि शुगर है यहाँ पे. आप इस पाउडर को घोलिए. ये पाउडर भी आपका पानी में चॉक डस्ट भी नहीं घुलेगा. देखिए. सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट सॉल्ट सुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, चॉक पाउडर, सॉ डस्ट एंड सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सॉल्ट एंड सुगर सॉल्युबल है, सॉ डस्ट, सैंड एंड पाउडर, चॉक पाउडर इज इनसॉल्युबल इन वाटर. और अगर लिक्विड्स की बात करें तो लेमन जूस सॉल्युबल, विनेगर भी सॉल्युबल है, आप अपने घर में चेक कीजिए. मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड किरोसिन ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सो हेयर वी रीड द सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट द मटेरियल, द ऑब्जेक्ट्स विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्युबल मटेरियल एंड द मटेरियल्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल. मेक द टेबल 4.5, 4.3 एंड 4.4 इन योर कॉपी एंड डू द एक्सपेरिमेंट बाई योर सेल्फ ऑल्सो. ओके. सो हेयर वी परफॉर्म दिस एक्टिविटी, प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल. Okay, thank you. Do this by yourself also.